Hello dear students, how are you? I hope that you all have been doing well at your home about your studies and with the help of my YouTube channel English Classes Sanjeev Goswami, you have made an incredible success about your studies. Okay? Today I am going to tell you about the very very important thing of English grammar and it is about the use of preposition. Got it? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर में जो हम यूज करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, प्रीपोजिशंस। डियर वंस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझने की पूरी कोशिश करें एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव नेवर विटनेस दिस दैट एनी ऑफ इंग्लिश टीचर वुड हैव टोल्ड यू अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद दिस ग्राफिक मेथड। मैं चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा, इस एक्सपीरियंस को जरूर एंजॉय करिएगा। आई हैव ट्राइड माय ऑल एक्सपीरियंस नियर अबाउट 25 और 30 इयर्स और सो ऑफ टीचिंग विद मेकिंग दिस। ओके, एंजॉय करिएगा। प्रीपोजिशन, पूर्व की अवस्था, क्या होता है ये? जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता जब क्रिया करता है तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, बट क्रिया और कर्म के बीच का संबंध क्या हो, क्रिया का कर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि प्रीपोजिशंस, जिनकी संख्या हजार में है, इसको यूज करने के लिए बहुत ट्रिक की जरूरत पड़ती है, बहुत रूल्स हैं, कोई आइडिया नहीं है कोई इसके कैसे रूल सिखाए जाएं। एक छोटी सी कोशिश है, अच्छी लगे जरूर, तो इसे लाइक करके हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा इससे। देखिए, जैसे मैंने एक छोटा सा कोशिश करिए, मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, प्लीज अच्छा नहीं बना होगा, बस कंटेंट समझिए। एक पेड़ बनाया है, ट्री, तो ट्री में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम एक यूज करते हैं प्रीपोजिशन, वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। क्या? इस ट्री के नीचे एक बच्ची बैठा दी है, तो यहां पर हमने लगा दिया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ठीक है, इसी पेड़ से एक और फायदा उठाएंगे हम, यहां लिखेंगे बिहाइंड, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे। ठीक, अब इस पेड़ के आगे कार खड़ी है, तो ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, पेड़ के आगे। बिफोर भी यूज करते हैं आगे के लिए, तो पहला रूल समझ लेंगे, इन फ्रंट ऑफ बिफोर में क्या डिफरेंस है। इन फ्रंट का यूज तब करेंगे जब चीज कोई स्टेबल है, दैट माय हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर्स, मेरा घर तुम्हारे दरवाजे के ठीक सामने, दोनों में से कोई भागेगा नहीं ना, तो इन फ्रंट ऑफ। बिफोर जब बोलते हैं आई एम टॉकिंग टू यू, आई वॉन्ट टू से समथिंग बिफोर, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि आजकल मॉडर्न बोलने में, इंग्लिश में, तो हम इन फ्रंट ऑफ यू ही बोल देते हैं, बट ग्रामेटिकली बिफोर का मतलब है जब सामने कोई चीज़ है जो शेकी का है, जो हिल रही है या मूवमेंट में है, मोशन में है, स्टेबल है तो इन फ्रंट ऑफ। तो तीन तरह की हो गए ये। फिर देखिए, इसके अंदर मैंने ये ब्रांचेस बनाने की कोशिश करी है, ये बर्ड्स जैसी लग रही हैं, ये बर्ड्स जैसी ही मानिए बर्ड्स हैं इमेजिन करके, तो ये अंदर बैठी हैं, तो हो जाएगा अगर ये चिड़ियाँ पत्तों के अंदर से बाहर की ओर दिख रही हैं तब हम लिखेंगे एट द ट्री। लेकिन अब चिड़ियां बोल रही हूं, बहुत ध्यान दीजिए, और ये पत्तों में छिपी हैं, दिख नहीं रही हैं, तब हम यूज करेंगे इन द ट्री। हम कभी यूज नहीं करेंगे ऑन द ट्री, ऑन तब होता है जब कुछ इसके ऊपर होती है। ठीक है, अब ऑन से कदम आगे बढ़ते हैं, ऊपर एक प्लेन जा रहा है, पेड़ बीच में गैप दिख रहा है ना, तो ये होगा ओवर द ट्री, दोनों बीच में गैप है, ओवर ऊपर है लेकिन वो टच नहीं कर रहा है, टच करेगा ऑन हो जाएगा। अब यहाँ मैंने एक नदी बनाने की कोशिश करी है, रिवर है ये, तो इसे हम जंप कराएंगे, रिवर में एक हम बोट और बना दे रहे हैं, तो बोट है तो ये है इन, इन माने में अंदर, लेकिन एक जगह है ये पूरी अंदर नहीं है। अगर ये जंप करता है ये बच्चा या बच्ची, तो ये अंदर जाएगी, तो ये हो जाएगी इन टू। तो दो डिफरेंस समझे, इन माने में अंदर, एक जगह रुका हुआ है, पूरी तरह अंदर नहीं, तब भी इन लगाते, और जब कोई अंदर डूब जाता है तो भी इन टू लगाते, तो आधा अंदर इन, पूरा अंदर इन टू, और कोई चीज रखी है अंदर इन, एक जगह तो इन, और अंदर की ओर जा रही है कोई चीज मूवमेंट में, तो भी इन टू। इसके समझने के लिए भी एक और एग्जांपल दूंगा, एक घर बना देते हैं छोटा सा, इसमें कुछ बिस्तर सा पड़ा हुआ है और कोई चीज यहाँ रखी हुई है, जैसे कोई पॉट रखा है ये,
तो ये इन है, और एक आदमी जब यहां से अंदर जा रहा है तो वो इनटू है, ठीक है। इन माने स्थिर यानी कि स्टेबल, और इनटू मींस मोशन यानी कि गति में, ठीक है, हो जाएगा। अब हमने एक चीज और बना दी, कार इसके सामने है और काय पे खड़ी है, रोड पर, ऑन द रोड, ठीक, पेड़ के किनारे, बाय द ट्री पेड़ के किनारे, या बिसाइड द ट्री निकट, यानी उसके पास लगी हुई, पेड़ यहां है कार खड़ी है तो बिसाइड द ट्री, या सड़क के किनारे कार खड़ी है बाहर तो बाय द रोड साइड, बिसाइड द रोड सड़क के किनारे पास में, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक और चीज यहां पे यूज कर सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम माने से, इस पेड़ से ट्रेन ये बस गाड़ी जा रही है और ये पेट्रोल पंप की ओर जा रही है, तो हो जाएगा टू, टू का मतलब तक, को, पेट्रोल पंप की ओर को जा रही है, फ्रॉम माने से, यहां भी ध्यान दें, फ्रॉम मतलब जब कोई चीज एक जगह से स्थिर जगह से जा रही है, फ्रॉम प्लेटफॉर्म, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम मेडिकल स्टोर, फ्रॉम हॉस्पिटल, स्कूल, ये स्टेबल है, लेकिन जब हम देखेंगे वो कोई चीज ऐसी है जहां से आ रही है जहां पर वो हिल रही है, तो एक और अच्छा एग्जांपल बहुत बार बोर्ड में देखा है मैंने, ये आता है कि एक स्टूल रखा हुआ है, मान लीजिए ये छोटा सा बना दे रहे हैं, जगह कम है, तो एक स्टूल है और स्टूल है इस टाइप से मान लीजिए, और एक यहां पर एक बिल्ली सी बैठी, बहुत एक एग्जांपल आता था पहले, एक कोई जानवर बैठा, वो यहां से जंप कर रहा है, तो जब वो जंप करेगा तो स्टूल हिलेगा, मूव करेगा ना, मूव करते ही, तो यहां पर हम ऑफ लगाएंगे, ऑफ माने भी से है, यानी कि फ्रॉम वाला, फ्रॉम का जो से है वो एक स्थिर जगह से जाना है, और ऑफ माने एक ऐसी जगह से जहां से वो जब वो जाएगा तो वो जगह मूव करेगी, ठीक है। ऐसी स्टूल पर कोशिश अगर रखिए, बैठा हुआ क्या बोलते, ऑन द स्टूल, कूद गया तो ऑफ द स्टूल, ठीक है। अब ये हो गया, एक और चीज समझाई यहां पर, ये बाइक बनाने की कोशिश करी है पेट्रोल पंप पर, तो यहां एट, एट द पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप की दीवार है, यहां पर कोशिश रखी है तो ये एट है, और ये चिड़िया हमने यहां बैठा दी तो ये ऑन है, यानी कि ऑन किसी के ऊपर और एट किसी ऐसी कंडीशन में, एट द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल पटरियां नहीं है, प्लेटफॉर्म वहां का जो हाउस बना हुआ है, जो ऑफिस बना हुआ है, वो पूरा मिला के प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पटरियां तो यहां से लेकर रास्ते में हर पटरियां हैं, मगर वो रास्ते में हर जगह प्लेटफॉर्म नहीं है, गॉट इट। तो प्लेटफॉर्म की छत के ऊपर चिड़िया बैठेगी तो ऑन द प्लेटफॉर्म होगा, अदरवाइज एट द प्लेटफॉर्म होगा, इसको समझ लें। अब ऑन और अपॉन का अंतर बताएं, अब यहां पर कोई चीज रखी है, चिड़िया बैठी हुई है, तो ये ऑन है, ऑन का मतलब स्थिर, और अपॉन का मतलब हो गया मोशन यानी कि गति में, मोशन यानी कि गति में, जैसे हम कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी है, द माइक इज ऑन द स्टेज, अपॉन का अक्सर हमने देखा होगा कोई बोलता है प्लीज कम अपॉन द स्टेज, स्टेज पर आइए, तो वो चीज रुक कर नहीं आ सकती, वो चलकर आएगी, मोशन में, मूवमेंट में आएगी, तब यहां पर अपॉन होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन, ऑन स्थिर, अपॉन मूवमेंट में, इन स्थिर, इनटू मूवमेंट में, ठीक है। तो ऑन हो गया, अपॉन हो गया, और समझाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक चीज और बनाते हैं, जैसे हम आपके लिए कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी यानी कि खाने की चीजें भर दी, हमने ग्रेप्स भर दिए, ग्रेप्स भर दिए, ठीक है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए भी बड़ा अच्छा एक है, बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन का यूज कब करेंगे, दो के लिए हम कहेंगे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रेप्स बिटवीन यू एंड ही, आप बांट लें, और जब दो से अधिक कहेंगे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रेप्स अमंग योर फ्रेंड्स, तो दो से अधिक में अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज भी कर सकते हैं हम। अच्छा, कुछ और समझने के लिए एक और चीज हम आपको बता दें इस मेथड से, जैसे हमने एक नाइफ बना दिया, नाइफ बना दिया, ये नाइफ है, इसे मान लीजिए नाइफ है, और हमने यहां इसे एक पता नहीं क्या लग रहा है, चलो मेलन लग रहा है ना, मस्क मेलन, इसको कट करना है, तो हम लिखेंगे विद,
आई वॉन्ट टू कट द मेलन विथ नाइफ। तो जब भी हम यंत्र का सहारा लेते हैं, किसी यंत्र का साथ या हेल्प, तो वहां पर हम विद लगाते हैं, या विद का इस्तेमाल वहां भी करेंगे कि आई वॉन्ट टू गो देयर विद माई फ्रेंड। तो विद का मतलब साथ भी है और किसी का सहारा या हेल्प भी है। किसी कहते ना इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट लिख लें, कोई यंत्र, तो चाहे वो नाइफ हो, एक्स हो, कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, तलवार हो, तो विद द हेल्प, विद स्टिक, डंडे के साथ, तो विद लगाएंगे। ठीक है, तो ऑन हो गया, अपॉन हो गया, एट हो गया, इनटू हो गया। और अच्छा, ये हमने ग्रैप्स किसके लिए लाए, आप लोगों के लिए, आप भी थोड़े से ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक और मिल गया, फॉर। फॉर माने के लिए, तो ऐसे हम फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे आपके लिए। तो इन, अपॉन, एट, इनटू, ये सब हो गया। अच्छा, और देखें हम तो विद, फॉर, फ्रॉम, इनटू, अपॉन, ऑफ, फ्रॉम टू, ठीक है। तो इस तरीके के इतने प्रीपोजिशंस हम, आई थिंक आपने समझ लिए होंगे कि हम इन्हें किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह इनकी मदद से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और वीडियोस में हम इन प्रीपोजिशंस को आपको और अच्छी तरह से इन पिक्चर्स के जरिए सिखाएंगे और मदद करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा हो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा बड़ा कहते ना एनकरेजमेंट होगा और एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड हैव फन विद योर बुक्स एंड स्टडीज एंड इंग्लिश इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ। जीवन का एक संगीत है अंग्रेजी, और एक आभूषण भी है हमारी शिक्षा का। बाकी को मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, बट इंग्लिश जस्ट लाइक यू नो एक लेयर है ऊपर, खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल बनाती है। इट मेक्स योर पर्सनैलिटी, इट मेक्स योर यू नो ड्रीम कम ट्रू। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।